थानेदार साहब, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। प्याज जीजी काटने के लिए आपने मशीन भेजी थी ना, वैसे ही इसको मिक्सर में पीस लेते हैं। उसमें हम डाल देंगे, 2 मिनट में सब कुछ अच्छे से पीस जाएगा। बुलबुल, मिक्सी में करेंगे ना तो वो स्वाद नहीं है जो स्वाद सिलबट्टे पर पीसने से आता है। और माँ कहती है कि पढ़ाई चाहे IPS की हो या फिर रसोई में प्याज काटने की, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मैंने तो आज तक कभी अपने बाबा साहब को रसोई में कदम रखते हुए भी ना देखा, लेकिन थानेदार साहब, उन्हें तो सब करना आता है। कितने अच्छे हैं थानेदार साहब। समझी? हाँ हाँ, समझ गए। लो, अब तुम ट्राई करो। मैं? ये सब ऐसे छूट के फूदक क्यों रहे? जब आप इन सबको पीस रहे थे तब तो ये सब आपके डर से एक ही जगह पे पीस रहे थे चुपचाप। कोई बात नहीं, ये कोशिश और करो। मैं चांदन सी चांदनी बालम तपता रेगिस्तान मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होगा अंजाम। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़का अब हम इसमें डालेंगे। अंडाई को और गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गुलकंद, अंडाई का सरताज। थानेदार साहब, आप तो बिल्कुल दादो सा लग रहे हो। दादो साहब मतलब? आप रुमाल दो। रुमाल तो नहीं है, पर तुम मुझे दादो क्यों कह रही थी? रुकिए एक मिनट, ये देखिए। रुक जाइए रुक जाइए, मैं साफ कर देती हूँ। रंग गुलाबी थारी पीत का तूने की रंगदारी, रंग गुलाबी थारी पीत का तूने की रंगदारी। हो हाल कहूँ क्या है जरूर सुध-बुध हलके भारी, मैं कहूँ ना झूठ वो सजनी दिल में उठी हुक वो सजनी, जियूं तुझे हर फूंक में कहता तेरा पल मैं तारीदार हो जीरे सुरी, तेरा पल मैं तारीदार हो जीरे गिबड़ो कहता हर सांस में साथ तेरा ही चावे सजनी, तेरा पल मैं तारीदार पल। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, इसके पास सामान भी बांधना है। रतन से बचना है तो गांव जाना होगा। गुंडा है वो गुंडा, एक नंबर का बदमाश। उसने जो धमकी दी है ना वो पूरी करके मारेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? यही है हमारा घर, कहाँ जाएंगे? अरे सुना नहीं तूने क्या कहा उसने? एक दिन में अगर उसे पैसा नहीं मिला
तो हमारा घर भी जला देगा और हमें भी जला के राख कर देगा। जब तक पैसे का इंतजाम नहीं हो जाता गांव में रहना होगा। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी बाबा। क्या आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूंगी। क्या कह रही है तू? अकेली कैसे रहेगी और कहां से करेगी पैसे का इंतजाम? हाँ, दो दिन पहले मुझे एक नौकरी मिली। नौकरी? मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आप लोगों को बताने वाली थी। मैं उस सैलरी से रतन के उधार लिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगी। जे दिन आ गए मारे, मारी छोरी नौकरी करेगी है? थारी इतनी हिम्मत हो गई हाँ, कि फैसला ले लिया उसके बाद मारे को बताएगी? पापा, ये समय बातों का नहीं है बल्कि मुसीबत का हल ढूंढने का है। और वैसे भी जितना तमाशा बनना था बन चुका है। इन सब चीजों के बाद मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती पापा, और आप लोगों के साथ गांव नहीं आ सकती। अरे सृष्टि पर तो अकेले कैसे रहेगी? हाँ माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आप लोगों के जाते ही पुष्कर के आगे जो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल है ना, मैं वहां रहूंगी। रतन को भी पता नहीं चलेगा। हाँ, मुझे इस घर की जिम्मेदारी उठाने दो। मेरा भरोसा करो माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। ठीक है, अगर छोरी कह रही है तो ठीक है, थोड़ी मदद हो जाएगी तो अच्छा ही होगा। तब तक हम लोग गांव जाके आगे की सोचते। गुड मॉर्निंग। अलार्म अंकल साहब बज रहे थे ना, वही बंद कर रही थी मैं। क्या बात है, आज तुम क्या कहती हो तुम इसे अपने वो अलार्म अंकल साहब? अलार्म अंकल साहब, उनसे पहले जग गए? अरे नहीं, ये तो सातवीं बार बजे थे, इससे पहले छह बार और बज चुके थे पर आपने सुना ही नहीं। अब आप जल्दी से जाके तैयार हो जाइए। बिना खटखटाए क्यों आ जाते हो हर बार? बुलबुल, बाथरूम में मेरा टॉवल है ही नहीं, और बाथरूम से निकलने से पहले कौन सा दरवाजा खटखटाना होता है? क्या हुआ? डोरी चीची लग नहीं रही है, आज पता नहीं क्या हो गया। मैं हेल्प करूं? आंख बंद कर लूंगा। हो गया। बुलबुल, तुम्हारा माथा तो गर्म है और साथ में ये छींके, हल्का बुखार है क्या तुम्हें? बुलबुल, तुमने दवा क्यों नहीं खाई? फिर इधर आओ।
मैं थानेदार साहब। रुको, तुम दवा खाओ। नहीं, दवा से पहले कुछ खाना पड़ेगा। तुमने कुछ खाया? हाँ? नहीं, वो एक काम करो, थोड़ा सा पहले कुछ खा लो। नहीं थानेदार साहब, आज मैं कुछ भी नहीं खा सकती। आज शिवरात्रि है ना, और हमारा निर्जला व्रत भी है, और ये ना ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए। बुलबुल, बच्चों की तरह जिद मत करो। कैसे तुम? आप जिद मत करो ना। और वैसे भी मारे को तो बिस्किट पसंद भी ना है, मारे को मटरी पसंद है। ये ठीक हो जाएगा खुद से। नहीं सुनोगी तुम मेरी बात तो ठीक है, तुम भी मत खाओ, मैं भी नहीं खाता, ना कुछ पीऊंगा ना कुछ खाऊंगा, ठीक है? ओके वीर, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाओ। थानेदार साहब चलिए ना, मासा बुला रही है नीचे खाना खाने के लिए। वीर बेटा, नीचे आ रहे हो कि नहीं? थानेदार साहब ने सोच लिया क्या कि रोज आप मासा से मारे को डांट खिलवाओगे? कल भी आपने प्याज जीजी के लिए वो मशीन मौसा बेच के मारे को डांट खिलवा दी। अब आप नाश्ता नहीं करोगे तो मासा मारे को और कितना ज्यादा डांटेगी कि खुद तो खा नहीं रही है और हमारे राजा बेटा को भी इसने भूखा रखा है। मासा बोलेंगे बस बींधनी के सिर्फ तीन श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार, लेकिन थारी माँ ने थारे को ये सब सिखाया नहीं। आप यही सुनना चाहते हो ना? चलो ना, नाश्ता कर लो ना। तो मुझे डांट रही हो बुलबुल? बोले नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो मासा मारे को ही डांटेंगे। प्लीज। अरे बोल, हाथ क्यों जोड़ रही हो? अच्छा ठीक है, फाइन, ओके। भाई जी, पंचामृत की सारी सामग्री आ गई। मैं देखती हूँ। हाँ जरा देख लो, ये डेकोरेटर अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? आपको पता है? आमा, आ गया। बोलो बोलो क्या हो गया? कहाँ था तू? और जरा डेकोरेटर को फोन लगा। आपने मुझे जिसके लिए भेजा था मैं ये ले आया। हाँ तू ले आया ना, ये फोन लगा। हाँ, मैं लगा। जल्दी फोन लगा ना, अभी तक वो आया भी नहीं है। और देख, मैंने तुझे कहा था ना कि अच्छे अच्छे बेलपत्र चुन कर लेकर आना। माँ, वो पास वाले मार्केट में यही मिल रहे थे तो मैं ले आया। आगे नहीं जा सकता था? ठीक से बेलपत्र लेकर आता ना। और तू फोन क्यों नहीं लगा रहा? फोन लगा कि डेकोरेटर को। सॉरी सर, मैं लगाता हूँ। संत सुस्तदास जी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद ना लगा रही तू सुलक्षणा? पापा लगा? मैं अपनी फ्रेंड से नोट्स लेके आती हूँ। कहाँ जा रही है? रुक जा इधर। हाँ दादी। आज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत सारा काम है। दादी मैंने कहा ना, पंचामृत बन रहा है रसोई में, जाके देख जरा। पंचामृत? नहीं पता ना? नहीं। रसोई में जाएगी तभी सीखेगी ना कि पंचामृत क्या होता है। भाई जी सिखा देगी। ले ये जाकर रसोई में रख दे, जा बाद में चले जाना सहेलियों के पास। तूने फोन किया कि नहीं? माल लग दोस्तों को तो फोन एकदम से लग जाता है। शांत हो जाइए, आप क्यों इतना परेशान हो? डेकोरेटर को फोन लगा रहा है कब से और फोन ही नहीं लग रहा है इसका। तो क्यों माँ को परेशान कर रहा है? नहीं कर रहा, लगा रहा हूँ मैं। तो लगा ना, हो जाएगा, जल्दी कर। डेकोरेटर अभी तक नहीं आया, इतना सारा काम। बुलबुल कहाँ है? जी जी मासा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? बीमार से क्यों लग रही हो? हाँ मासा, मैं ठीक हूँ। बीमार तो लगेंगी ही, छोटी मालकिन सोई कहाँ है? रात को 1 बजे तक मोबाइल में टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने कहा था ना तुमसे बुलबुल कि आज निर्जला व्रत है तुम्हारा, ना खाना ना पीना, और पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि का व्रत रखना है। समय से सो जाना चाहिए था ना, इतनी रात तक जग कर मोबाइल से खेलने की क्या जरूरत थी? नहीं मासा, मैं खेल नहीं रही थी, मैं तो महाशिवरात्रि की पूजा की। क्या मेहमानों के आने के बाद सारी विधि शुरू होगी? नहीं नहीं मासा, मैं सब अभी कर देती हूँ। तो जाओ फिर। हाँ। रुको, समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। सुनो, हमारे घर की ठंडाई पूरे अजमेर में मशहूर है। ठंडाई घर पर ही बनती है, बाहर से नहीं मंगाई जाती। उसके बाद पहले वो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को भोग चढ़ता है उस ठंडाई का, उसके बाद सारे मेहमानों में बांटी जाती है। समझ रही हो ना? इस बार की ठंडाई तुम बनाओगी। वाले, इसीलिए थानेदार सर रात में मैंने ठंडाई बनाने की ट्यूशन दे रहे थे ताकि मैं मासा के बड़े एग्जाम में पास हो जाऊं।
खाटू श्याम जी, मैंने तो आपको मैंने अच्छे नंबर दिलवाने के लिए चमत्कार दिखाने के लिए कहा था, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि आपने मारा ब्याह थानेदार साहब से करवा के मारा जीवन जादू और खुशियों से भर दिया है।